ये अच्छी खबर किसानों के लिए आ रही है मध्य प्रदेश से। कमलनाथ ने मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठते से ही अपने आप को किसान के पक्ष का साबित कर दिया है। उन्होंने अपने किए हुए वादे निभा दिए हैं। उन्होंने कहा है कि किसानों की कर्जा माफ़ी की फाइल पर हस्ताक्षर कर दिए हैं। हालांकि ये शुरुआत ही है, अभी उन्हें बहुत कदम उठाने हैं, क्योंकि हस्ताक्षर मात्र से कर्जा माफ़ नहीं होगा। इसके लिए उन्हें कमर कसनी होगी और किसानों को न्याय दिलाना होगा। जो वादे उन्होंने किसान से किए थे वो वादे पूरे करने होंगे। आपको बता दें कि कांग्रेस ने विधानसभा चुनाव में अपने वचन पत्र राज्य के किसानों से वादा किया था कि अगर सत्ता में आते हैं तो 10 दिन के भीतर किसानों का कर्जा माफ कर देंगे। मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा था कि वो उम्मीद करते हैं कि कांग्रेस के सरकार में आते ही 10 दिनों के भीतर किसानों का कर्जा माफी का वादा निभाएंगे, और उन्होंने ये वादा निभाते हुए नए मुख्यमंत्री कमलनाथ ने किसानों से किए हुए वादे को निभाते हुए कर्जा माफी की फाइल पास कर दी है। आपको बता दें कि कमलनाथ सरकार ने राज्य में किसानों का 2 लाख कर्ज माफ करने का आदेश जारी कर दिया। इसकी जानकारी मध्य प्रदेश के किसान कल्याण एवं कृषि विकास विभाग के प्रमुख सचिव डॉक्टर राजेश राजौरा ने दी है। उन्होंने कहा है कि शाम को एक आदेश जारी कर दिया गया है, जिसमें मध्य प्रदेश शासन द्वारा निर्णय लिया गया है कि मध्य प्रदेश राज्य में स्थित राष्ट्रीयकृत तथा सहकारी बैंकों में अल्पकालीन फसल ऋण के रूप में शासन द्वारा पात्रता अनुसार पात्र पाए गए किसानों को 2 लाख रुपए की सीमा तक 31 मार्च 2018 की स्थिति में बकाया फसल ऋण माफ किया जाता है।